हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपको स्वागत है। मैं आज गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या मैं आज काम कर रही हूँ। वैसे तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुछ काम, वही रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ और कुछ अदर काम्स भी मैं छोटे मोटे कर रही हूँ। इसी टाइम जो काम करने का जो मुझे फुर्सत मिलता है, तब मैं अच्छी सी अपनी गार्डन को थोड़ी बहुत देखभाल कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं ये पहले से ही भर के रखी हुई पॉट है, बहुत बार मैं कह चुकी हूँ, फिर भी मैंने सारा मिट्टी डंप कर एक बार चेक कर लिया है मैंने। फिर मैंने इसमें जो है थोड़ी सी सैंड, थोड़ी सी नीम केक, थोड़ी सी ये देखिए नीम केक डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं कंपोस्टिंग वगैरह डालकर फिर से मैं इसे चेक कर ही लगा रही हूँ। क्योंकि बहुत बार ये हो गया कि नीचे फंगस सी बनने लगती थी कभी कभी, तो वो सब मैं चेक कर इसे लगा रही हूँ। ये कुंदा का प्लांट है, अभी मैं लगा रही हूँ। इसकी मिट्टी तो इतनी चिकनी मिट्टी है, पूरे बहुत चिकनी मिट्टी में इसे लगा हुआ है। रूटिंग तो बहुत अच्छी सी फैली हुई थी इसमें, मैं थोड़ी सी मिट्टी रखी हूँ, बाकी सब मैंने मिट्टी हटा ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है वो। और यहाँ पर देखिए नीम केक डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी, कोई भी फंगस वगैरह ना हो, क्योंकि फंगीसाइड वगैरह यहाँ पर मिलता नहीं है, ऑनलाइन में बहुत महंगा मिलता है। एक बार मैंने मंगवा लिए थे, उसके बाद मैंने मंगवाना छोड़ दिए। इसके लिए मैं थोड़ी सी हल्दी या तो फिर अलवेरा की जो जेल होती है वो निकाल कर मैं पानी में घोल कर भी कभी कभी डाल लेती हूँ, इससे थोड़ी फंगस कम होती है। कंपोस्टिंग में भी डाल लेती हूँ, बहुत अच्छी सी उससे बनती है। तो इस तरह की मैं कुछ काम वगैरह करनी रहती है। तो और इसे लगाने के बाद मैंने गार्डन में कुछ अदर प्लांट्स भी देख ली थी कि क्या क्या मुझे करनी है। वैसे थोड़ी वक्त मिलती है तो थोड़ा थोड़ा ही काम होता है, तो इस बार मैंने थोड़ी अदर काम किया है, इसी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब कर देख ले, अच्छा लगता है। और ये लग गया है मेरा प्लांट, और इसे मैं छायादार जगह पर रखूँगी, यहाँ पर बिल्कुल भी इसे जो है धूप नहीं लगने दूँगी, यहाँ पर रख दूँगी, यहाँ पर बहुत छाया मिलती है यहाँ पर। तो दो दिन के बाद थोड़ी बहुत धूप में आएगा तो भी अच्छा है। देखिए मैं यहाँ पर रख लिया है। तो अभी कुछ पौधे हैं यहाँ पर, मैं चेक कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि इनमें मिट्टी की कमी है, तो मैं मिट्टी डाल रही हूँ यहाँ पर। जो कोलियस की कटिंग थी वो बहुत अच्छी सी लगी हुई है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी निकली हुई है, मैंने इसको जो है पिंच कर दिया था तो बहुत अच्छी सी इसकी शूट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी अंदर तक गई हुई थी, तो इस पर थोड़ी सी कंपोस्ट वाली मिट्टी ऐड कर रही हूँ। इसकी कटिंग या इसी का कटिंग मैंने जगह जगह पर थोड़ी लगाई भी हुई है, तो इस तरह से इसमें ना ब्लैक कलर की चींटियाँ भी लगी हुई है, उसको भी मुझे कुछ काम करनी है। जगह जगह पर बहुत सारी हुई है, जैसे ही समर आती है एक चींटियों का बहुत ये रहता है, बहुत का लगा रहता है हर पॉट में मेरे यहाँ। तो बस ये दोनों में भी मैं डाल रही हूँ, डालने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इस पर भी, और उसके बाद उस पर भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। ये कोलियस की सारे मेरे प्लांट्स हैं, बहुत अच्छी सी चल रही है इस समय। एक्चुअली इसे मैंने फुल सनलाइट में भी नहीं रखा है, फुल शेडी में भी नहीं रखा है, यहाँ पर बस एक दो घंटे की अच्छी धूप भी मिले इनको, इस तरह से मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो इनमें देखिए ये कंपोस्ट वाली मिट्टी थोड़ी बहुत मैं डाल रही हूँ। तो समर में जो है मिट्टी कम रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा, इससे पौधों को पानी अच्छे से नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इन ये सब मैंने काम किए हैं। और देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये बगल में बहुत दिन से मैंने खाली रखा है ये वाली पॉट को, इसे भी मुझे कुछ लगाना है। तो इसके लिए मैं देखिए मिट्टी तुरंत ही चेंज कर मेरी पॉट में लगी हुई थी ये टर्टल वाइन, उसे लेकर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी सी ये ग्रीनरी फैल रहती है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। विंटर के बाद इसमें भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो बस इसे थोड़ी सी मैंने उठाकर लाई हूँ और ऊपर की मिट्टी चेंज कर लगाई हूँ। इसकी मिट्टी और हैंगिंग बास्केट के लिए कैसे करना है मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे नीचे हैंगिंग के पॉट्स लगी हुई है, उसमें मुझे चेंज करना है, क्योंकि नए पौधे लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, पुराना होते ही उनका थोड़ी बहुत शेप आउट होता है, सूखने लगता है, पत्तियां वगैरह बर्न होकर झड़ने लगता है, तो
इसके लिए मैं लगा रही हूँ। और मेरे इंडोर प्लांट्स के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूँगी कि मेरे इंडोर प्लांट्स कैसे हैं और क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं। थोड़ी बहुत मैं आपसे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। तो देखिए, बस इसमें मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दिया है, उसमें कटिंग्स को रख दिया है और ऊपर से मिट्टी डाल दिया है, उसके बाद मैंने पानी दे दिया, तो बस ये हो गया। तो इस तरह छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं, इस तरह से मैं देखकर जब भी टाइम मिलता है तो करती रहती हूँ। तो मुझे सुबह का काम ये था, फिर शाम में मुझे कुछ काम करना रहता है तो मैं कर लेती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।